हाय एवरीवन दिस इज अनम वेलकम टू पीएचडी एच जॉब्स एंड एडमिशन सो आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीएचडी एच एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथडोलॉजी पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं जैसे कि आपको पता है रिसर्च मेथोडलॉजी आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का 50 परसेंट वेटेज होता है फिफ्टी परसेंट मतलब आपका जो पेपर वन होता है वो रिसर्च मेथेडोलॉजी होता है तो रिसर्च मेथोडलॉजी काफी इंपॉर्टेंट होता है और रिसर्च मेथोडलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जनरली आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो सारे एमसीक्यूज आज के सेशन में मैंने कवर करने की कोशिश करी हूं अब मैं आपको बता दू यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट है कि 6th ऑफ अगस्त 2022 यानी 6 अगस्त के पहले-पहले आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को जल्द से जल्द आप आप फिल करिएगा आपको सारा प्रोसेस देख लेना है मैंने डिटेल में भी वीडियो बना रखा है वो भी देख लीजिए एक बारी जाके जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए अब मैं आपको बता दूं जो कि आपका पेपर 1 होता है पीएचजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रिसर्च मेथोडोलॉजी तो इसके लिए आपको हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं जिसमें हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं आपको वीडियो लेक्चर्स हमारे देखने मिलेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो थ्योरी और एमसीक्यू दोनों वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे देन एमसीक्यू से ट्रिक्स बताएंगे सारे अब आपको देन नोट्स नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रखे इंटरव्यू के लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाले हैं मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट किसी भी टेस्ट को अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं तो मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है आपको पता लगता है कि आप कितना

सकते हो सो so, ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है जिससे कि आप हमारे ऐप के वन क्लिक में ही आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो वहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं आता ऐप को डाउनलोड करिए आप वन क्लिक में ही सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स मॉक टेस्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यू रिविजन पीडीएफ ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर ये आपको एक ही जगह मिलेगा कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है बहुत कम भी नहीं जितना sufficient है आपके study के लिए, उतना आपको पढ़ना है सो so, हमारे कोर्स में हम आपको guide करते रहते हैं कि कि किस तरीके से आपको किस पर ये जो कोर्स है हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी है, कोर्स से आपको एग्जाम में थर्टी से थर्टी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे तो so, जल्द से जल्द आपको परचेस करना है परचेस करने के लिए स्क्रीन पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है याद रखेगा नॉर्मल कॉलेज नंबर

फर्स्ट पॉइंट परिकल्पना एक प्रस्ताव है, है और तो शून्य परिकल्पना को हमेशा तो so, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए जो दो पॉइंट्स हमें दिए गए है उनमें से कौन सा एक पॉइंट सही है या फिर दोनों भी पॉइंट सही है मतलब इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि दिए गए दोनों पॉइंट में से कौन सा सही, सही होगा हमें ये पता लगाना है और हमें कौन से विकल्प में सही ऑप्शन गिवन है इस क्वेश्चन का ये फाइंड आउट करना है तो जैसे कि यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स गिवन है और उन दोनों पॉइंट्स को हम डिटेल में देखेंगे फर्स्ट पॉइंट इज हाइपोथेसिस इज अ प्रोपोजिशन सो यस हाइपोथेसिस एक प्रपोजिशन होता है एक अटेंटेटिव स्टेटमेंट होता है हम पहले से उसके बारे में गेस करते हैं प्रपोजिशन मतलब हम कुछ गेस करते हैं हाइपोथेसिस जिसे हम परिकल्पना कहते हैं परिकल्पना एक प्रस्ताव होता है मतलब उसके बारे में हम पहले से ही भविष्यवाणी कर लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है सो so Uh, आगे हम स्टेटमेंट को कंप्लीट करते, yes, करते कर 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 हैं कर है. अगर आपके हाइपोथेसिस आप टेस्ट करते हो अगर वो सही निकली तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो अगर वो सही नहीं निकली तो आप उसको रिजेक्ट कर लेते हो सो हाइपोथेसिस जो है उसको हम सही नहीं मानते अपने रिसर्च में एक टेंटेटिव स्टेटमेंट मानते हैं और एक प्रस्ताव मानते हैं और उसको हम एक भविष्यवाणी कहते हैं हम कुछ चीजों को लेकर भविष्यवाणी करते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पर अपने ज्ञान के बेसिस पर और उससे हम अपने रिसर्च में अपने शोध में उसका परीक्षण करते मतलब उसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि उस वो वैलिड है या फिर नहीं है सो so यस yes, यहाँ पर जो आपका हाइपोथेसिस से रिलेटेड हमें फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है ये सही है सो हाइपोथेसिस एक प्रपोजिशन होता है मतलब गेसेस होते हैं रिसर्चर्स के और कुछ टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसे कुछ समय के लिए मान लेते हैं और उसे अपने रिसर्च अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं उसकी वैलिडिटी बताते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं क्या वो सही है क्या हमें उसे रखना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए सो so, यहाँ पर आपको जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है ये सही है उसी तरीके से हम पॉइंट टू देखते हैं So, null be if the is matlab, आप क्या करते हो जब भी आपकी डिस्प्रूव uh, हो जाती मतलब आपकी यदि परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है तो आपकी जो शून्य परिकल्पना होती है उसे भी आप डिस्प्रूव uh, uh, करने की कोशिश करते हो सो so, यस yes, क्योंकि याद रखिएगा नल हाइपोथेसिस को रिसर्च अपने रिसर्च में डिस करने की कोशिश करते उसे प्रूफ नहीं मान के चलते क्योंकि नल हाइपोथेसिस क्या बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है नल हाइपोथेसिस कोई भी रिलेशन को नहीं बताती है क्योंकि रिसर्चर को उस चीज को प्रूफ करना होता है उनको बताना होता है कि नहीं जो वेरिएबल्स होते उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ही रिसर्चर so, ये अपने रिसर्च में प्रूव करने की कोशिश करते हैं लेकिन नल हाइपोथिस है बताती है कि कोई वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो याद रखिएगा हमेशा रिसर्चर जब भी अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं रिसर्च में तो so, रिसर्चर ये कोशिश करते हैं कि वो अपने नल हाइपोथिसिस को रिजेक्ट करे और वो अल्टरनेटिव हाइपोथिस को ऑटोमेटिकली केस में एक्सेप्ट कर लेते हैं

है, है. है, ये आपका सही है. जो जो आपके शोधकर्ता आपकी जो शून्य पर हमेशा अस्वीकार करने की कोशिश करता है इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट दोनों भी सही है नेक्स्ट डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज नैदानिक अनुसंधान अध्ययन इस क्वेश्चन में हमें यह पता लगाना है कि नैदानिक अनुसंधान अध्ययन क्या होती है मतलब आपकी जो डायग्नोस्टिक रिसर्च है उसकी स्टडीज क्या होती है डायग्नोस्टिक रिसर्च में रिसर्च किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं सो याद रखिए आपकी जो डायग्नोस्टिक रिसर्च होती है ये ज्यादा करके साइंस फील्ड में यूज करी जाती है डॉक्टर्स लोग ज्यादा यूज करते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च सो डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक के मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में खोजना किसी चीज को डायग्नोस करना उसके बारे में और जानना क्यों वो चीज हैपन हो रही है प्रॉब्लम क्या है वो किस वो किस वजह से चीज हैपन इसके फैक्टर्स क्या कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है सोल्यूशन किस तरीके से निकाल सकते हैं सो so, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें डायग्नोस्टिक रिसर्च की डेफिनेशन पूछ रहा है तो so, याद रखिएगा जब भी डायग्नोस्टिक रिसर्च आती है So, आपको आ, याद रखना है आंसर ऐसा मार्क करना है जिसमें किसी प्रॉब्लम का हम कॉज फाइंड आउट करते हैं उसकी रूट फाइंड आउट करते हैं किस वजह से वो चीज हैपन हो रही है सो so, yes, यस यहाँ पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा आइडेंटिफाइज रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम सो so, जैसे मान लीजिए इस डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है उस पर्सन को हार्ट डिसीज है सो so, आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करोगे उसकी रूट वो कॉजे किस वजह से उसको हार्ट डिसीज हुई है सो so, जैसे मान लीजिए उस पर्सन को हार्ट डिसीज है तो आप बताओगे कि उनके चेस्ट में पेन हो रहा है ज़्यादा ऑयल इंटेक है प्रॉपर डाइट नहीं है स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है सो so, इस वजह से आ, आपकी जो प्रॉब्लम है ये हार्ट डिस प्रॉब्लम अकर होती है सो so, याद रखिएगा जैसे यहाँ पर मैंने एक डिसीज का एग्जांपल लिया हार्ट डिसीज है उसका मैंने आपको कॉज बताया अब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं स्लीप साइकिल नहीं प्रॉपर ले रहे होंगे वो, वो, वो पर्सन और डाइट प्रॉपर नहीं होगा सो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं और आप इसका सोलूशन किस तरीके से फाइंड आउट करोगे किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि उनको प्रॉपर डाइट देंगे ओके okay? आपकी जो बॉडी है उस पर्सन की बॉडी रेगुलरली थर्टी से सिक्सटी मिनट तक मूव होने चाहिए एक्सरसाइज करना चाहिए प्रॉपर इंटेक लेना चाहिए डाइट का तो इस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे रिसर्चर्स जो होते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च में किसी भी डिसीज से रिलेटेड बेसिकली डायग्नोस्टिक रिसर्च में प्रॉब्लम जो होती है वो डिसीज से रिलेटेड होती है तो उस डिसीज का कॉज फाइंड आउट करते हैं रूट फाइंड आउट करते हैं किस वजह से उसका कॉज है कॉज किस चीज से वो कॉज कर रही है प्रॉब्लम फिर फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फिर उसका सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करना है? मतलब एक समस्या है उसका मूल कारण और उस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन से फैक्टर्स है उसके बारे में जानना और समस्या का समाधान किस तरीके से निकालना उस समस्या का मतलब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरीके से निकालना ये रिसर्च डायग्नोस्टिक रिसर्च में करता है इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा सो so, हम जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी एक बार ही देख लेते हैं ऑप्शन बी आप क्या कर रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर, कर रहे हो उसको सिंथिसाइज कर रहे हो इस एविडेंस को जो पास्ट में है जो पास्ट में करो रहे हैं, और उसका आप, आप आपका आप बेसिकली उसका प्रेजेंट में देख रहे हो क्या यूज है तो याद रखिये यहाँ पर आपको जो ऑप्शन बी दिया गया है पुराने, है, मतलब पुराने जो रहे हैं उनके थ्रू आप स्टडी कर रहे हैं सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन उसी तरीके से ऑप्शन सी आर कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर सो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो अः uh, किसी क्या, uh, कोई को, कोई ग्रुप है उसका इंडिविजुअल उसका कैरेक्टर बता रहे हो सो so यहाँ पर आप बेसिकली उसको डिस्क्राइब कर रहे हो मतलब उसको आप डिटेल में बता रहे हो उन विशेषताओं को बता रहे हो आप डिटेल में उसको एक्सप्लेन करो डिस्क्राइब कर रहे हो बेसिकली सो ये आपके डिस्क्रिप्टिव रिसोर्स रिलेटेड है सो so यहाँ पर आपको एक ही वर्ड याद रखना है आपको की पॉइंट याद रखना है डिस्क्राइबिंग आ रहा है मतलब ये डिस्क्रिप्टिव रिसोर्स रिलेटेड ऑप्शन है सो so यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा सो so इस क्वेश्चन का आपका जो राइट right आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए नेक्स्ट एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स आर बाह्य चर है इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है कि आपके बाह्य चर मतलब आपके जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल है इनका मीनिंग क्या होता है ये होते क्या है उनकी डेफिनेशन बेसिकली हमें पता लगाना है इस क्वेश्चन में सो so, याद रखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू So हम एक एग्जाम्पल लेते हैं उस एग्जाम्पल को लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम वेरिएबल्स की जो स्टडी करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम ये देखते हैं मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम फाइंड आउट करते हैं और उसको स्टडी करते बताते हैं कि दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है सो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे स्टडी करना है कि मैं अगर वाटर ज्यादा दे रही हूँ किसी प्लांट को तो उस प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी क्या मैं ज्यादा वाटर दूंगी तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो रही है या फिर मैं कम वाटर दूंगी तो प्लांट की ग्रोथ पर कैसा असर होगा उसका कैसा इफेक्ट बताएगा वाटर सो so, बेसिकली वाटर यहाँ पर मैं वाटर की क्वांटिटी कम ज्यादा कर रही हूँ सो so, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और प्लांट की जो ग्रोथ है मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा अब इस स्टडी में क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आ जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल जिसे हम कहते हैं so, है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट तो नहीं होते हैं तो ये फिर भी क्या करते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं किस तरीके से मान किस तरीके से मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस स्टडी में आपके जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होंगे जो आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल होंगे वो हो जाएंगे आपके विंड टेम्परेचर सनलाइट ये सारे आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो जाएंगे सो so, ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर सकते हैं सो so, कभी कभार क्या होता है आप देख रहे देखना चाह रहे हो कि आपकी जो वॉटर है की उसकी वजह से ही प्लांट की ग्रोथ हो रही है या फिर उसमें कुछ विंड

लेकिन ये फिर भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अफेक्ट करते हैं इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चर चर जो अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित नहीं है लेकिन आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं मतलब ये हमारे जो अध्ययन है उसका उद्देश्य नहीं होते हमारे जो स्टडी है उसका पर्पज नहीं होते लेकिन ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है उनको प्रभावित करते हैं उनको अफेक्ट करते हैं So, आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा अब जो बचे हुए ऑप्शन से जो इनकरेक्ट है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं ऑप्शन बी वेरिएबल दैट डिपेंड्स अपॉन और इट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अदर वेरिएबल्स मतलब ऐसा वेरिएबल्स जो किसी वेरिएबल पर डिपेंड है मतलब आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स आ रहा है मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल से ये ऑप्शन रिलेटेड है जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड होता है सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर डिपेंडेंट वेरिएबल उसी तरीके से ऑप्शन सी वेरिएबल दैट इज एंटिसेंडेंट टू डिपेंडेंट वेरिएबल सो याद रखिएगा एंटीसेंडेंट का मतलब है जो पहले आ रहा है प्रियर जिसका मतलब होता है आपका प्रियर जो पहले आता है सो डिपेंडेंट वेरिएबल के पहले जो वेरिएबल आता है वो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आपका जो ऑप्शन सी है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड है ना कि आपके एक्सट्रीनियस वेरिएबल से सो so, जो आपका ऑप्शन सी है ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट Arrange the following steps followed in in framing research design for empirical study in correct order. अनुभवजन्य अध्यय के लिए अनुसंधान डिजाइन तैयार करने में अपनाए गए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है के अगर आप एम्पैरिकल स्टडी परफॉर्म कर रहे हो तो उस केस में आप रिसर्च डिजाइन फ्रेम करते हो सो रिसर्च डिजाइन फ्रेम करने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे उन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है सो so, यहाँ पर एम्पैरिकल स्टडी एम्पैरिकल स्टडी क्या होती है जो आप आपके ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर जिसने आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं आप रियलिटी में उसको परफॉर्म करते हो सो so, उसे हम कहते हैं एम्पैरिकल स्टडी अब इम्पेरिकल स्टडी के लिए आप रिसर्च डिजाइन तैयार कर रहे हो रिसर्च डिजाइन मतलब कि अनुसंधान डिजाइन तैयार कर रहे हो रिसर्च डिजाइन क्या होती है जिसमें आप सारी प्लानिंग करते हो कि मैं इस तरीके से डेटा कलेक्ट करने वाली हूँ यूज करूंगी इस इस मेथड से मैं डेटा कलेक्ट करूंगी उसके बाद मैं इसको किस तरीके से एनालाइज करूंगी फिर मैं आ, कहां के लोगों को लूंगी किस पॉपुलेशन पर मैं रिसर्च करूंगी ये सारी चीज आप डिसाइड कर लेते हो बेसिकली यहाँ पर प्लानिंग करते हैं कि आप किस तरीके से रिसर्च को परफॉर्म करने वाले हो स्टडी को आप परफॉर्म करने वाले हो तो so, यहाँ पर हमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर आप इंपेरिकल स्टडी परफॉर्म करें तो उसकी आप रिसर्च डिजाइन आप उसको तैयार कर रहे हो आपके अनुसंधान डिजाइन को अगर आप तैयार कर रहे हो तो दिए गए जो हमें ऑप्शन से दिए गए पॉइंट्स हैं उनको हमको एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है पहले हम क्या इंक्रीज मतलब पहले हम क्या डिसाइड करते हैं फिर उसके बाद किस तरीके से पूरी रिसर्च स्टडी को हम परफॉर्म करेंगे हमें बता करना है तो so, याद रखिए जब भी आप इंपेरिकल स्टडी परफॉर्म करते हैं, जब भी आप रियल में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं ऑब्जर्व करते हैं चीजों को तो so, सबसे पहले अगर आप आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो आप रिसर्च स्टडी परफॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहले आप आपका यूनिवर्स को आइडेंटिफाई करोगे यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट ही फर्स्ट हो जाएगा मतलब आपके जो यूनिवर्स है जिसे हम पॉपुलेशन भी कहते हैं यूनिवर्स को पॉपुलेशन भी कहते हैं मतलब आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है जिस पर आप स्टडी करने वाले उनको आइडेंटिफाई करते हो उनको आप पहचान कर लेते हो मतलब आपके जो ब्रह्मांड है उसकी आप पहचान कर लेते हो देन उसके बाद सैंपलिंग टेक्निक आप डिसाइड कर लेते हो फिर से आपका सेकंड पॉइंट है सेकंड आ जाएगा मतलब आप पॉपुलेशन में से जिन जिन मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो आप ये बता दें कि मैं उनको किस मेथड से सिलेक्ट करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ मैं प्रोबेबिलिटी मेथड से मतलब मैं पॉपुलेशन में से यूनिवर्स में से मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करने वाला हूँ या फिर

इन लोगों से आप जिस तरीके से डेटा कलेक्ट करने वाले उसका टूल यूज करोगे आप के थ्रू डेटा कलेक्ट करने वाले ये डिसाइड कर लोगे या फिर आप इंटरव्यू के थ्रू या फिर आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू और पॉपुलेशन में से आपके जो सैंपल्स हैं उनमें उन से आप उनसे डेटा कलेक्ट करोगे आप टूल डिसाइड कर लेते हो बेसिकली सो यहाँ पर आपने फोर्थ पॉइंट जो है आपका थर्ड हो जाएगा फिर उसके बाद आपका डायरेक्टली सिक्स पॉइंट आ जाएगा मतलब आपको जो भी डेटा मिलेगा अपने डेटा टूल सेलेक्ट कर लिया उससे डेटा आपने डेटा कलेक्ट करोगे डेटा टूल सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा कलेक्ट करोगे और आपके पास जो भी डेटा आ गया आप उसको मोड में में फिक्स कर दोगे मतलब आपके पास एक टेबल टेबल होता है उस टेबल में आप सारी इंफॉर्मेशन आप फिल कर दोगे सो तो यहाँ पर जो आपका सिक्स पॉइंट है ये आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा मतलब डेटा संग्रहण और सारणीकरण वेद सो तो यह हो गया आपका फोर्थ पॉइंट देन उसके बाद आपका लास्ट जो पॉइंट बच गया फोर्थ फिर उसके बाद जो लास्ट पॉइंट बच गया आपका वो हो जाएगा फोर्थ पॉइंट के बाद थर्ड थर्ड आपका आ रहा है यहाँ पर थर्ड है आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब ये फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा आपका जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर गिवन है ये आपका फिफ्थ आ जाएगा आपने टेबुलेशन में सारे डेटा को फिल कर लिया उसके उसको आप डेटा को अन, करोगे, आप करोगे किस तरीके से आप एक रिपोर्ट में लिखते हो सो तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग है पॉइंट आ जाएगा मतलब आप बताते हो कि आपने किस किस तरीके से रिसर्च किया कैसे आपने सारे डेटा को इकट्ठा करा आपने कैसे उसको एनालाइज करा कैसे उसको इंटरप्रेट करा सो इस वे में आपकी

डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मतलब उस आपने ग्राफिकल फॉर्म में कुछ एक तरफ इस तरफ ज्यादा झुका होगा सो so, जब भी आपका जो डेटा है वो झुका होता है तो उस केस में आपके मीन मीडियन एंड मोड इनके बीच में क्या रिलेशन होता है मतलब आपकी जो माध्य होती है माध्य का और बहुलक इन तीनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है हमें ये, uh, ये फाइंड ये ये इस so, इसके लिए आपको ये डायग्राम याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बस इस डायग्राम को याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है मैं आपको बता दू इस टॉपिक से आपको एग्जाम में वन और टू क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे ही जाते हैं इसलिए आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से याद कर कर चले जाइए जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाओगे जैसे कि आप देख रहे हो इस डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे स्क्यूड स्क्यूड का मतलब होता है आपका डेटा झुका हुआ जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्यू के आपके दो टाइप होते हैं एक होता है, है पॉजिटिव स्क्यू होता है नेगेटिव स्क्यू पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डेटा है ये राइट साइड पर सारा झुका होता है और नेगेटिव स्क्यू में आपका ज्यादातर डेटा जो है ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है इसलिए हम इसको कहते हैं

ज्यादा जो वैल्यू होगी आपकी ये मोड की होगी फिर उससे कम मीडियन एंड उससे कम आपका मीन होगा उसी तरीके से नेगेटिव स्क्यू में सबसे ज्यादा आपकी मीन की वैल्यू हो जाएगी फिर उससे ज्यादा मीडियन एंड उससे ज्यादा मोड कुछ इस तरीके से आपके वैल्यूज होंगे so, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यू में जिसके, जिसमें आपका जो डेटा है वो झुका हुआ है उस केस में आपके मीन मीडियन एंड मोड मतलब की माध्य माध्यम और बहुलक के बीच में ये दो तीनों भी जो है उनकी वैल्यू सेम नहीं होंगी कम ज्यादा होगी सो so, इसीलिए अगर आपका जो डेटा है वो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब आपका जो डेटा है वो झुका हुआ है तब उस केस में आपके मीन मीडियन एंड मोड वो तीनों भी सेम नहीं होंगे डिफरेंट होंगे एक दूसरे से तो so, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए So, जैसे हम यहाँ पर बीच में जो फिगर है मिडल में जो फिगर है उसे देख लेते हैं सो so, अगर आपका डेटा स्क्यूड नहीं है मतलब आपका डेटा झुका हुआ नहीं है आपका डाटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सो so इस केस में आपके मीन मीडियन एंड मोड इन तीनों की वैल्यू सेम होती है तीनों एक दूसरे से इक्वल होते हैं सो so याद रखना आपका जब भी डेटा सेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब झुका हुआ होगा तो इस केस में आपके मीन मीडियन एंड मोड ये तीनों की वैल्यू सेम नहीं होती एक दूसरे से डिफरेंट होंगे तो so इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हेन मीन मीडियन एंड मोड इफ एग्जिस्ट आर नॉट सेम जब माध्य माध्यम और बहुलक यदि मौजूद हो तो समान नहीं है सो so, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन है राइट right हो जाएगा नेक्स्ट डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू कपल्स आर सिलेक्टेड एज सैंपल्स यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हैज बीन कलेक्टेड विथ स्टेटिस्टिकल टूल्स विल यू यूज टू फाइंड आउट फर्स्ट द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कपल्स है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कपल सिलेक्टेड फॉर द स्टडी है नमूने के रूप में चुने गए जोड़ों से पैदा हुए बच्चों की संख्या के बारे में डेटा उपयोग करके संभवत नमूनाकरण एकत्र किया गया है one, जोड़ों के बच्चों के औसत संख्या एंड पॉइंट टू अध्ययन के लिए चुने गए जोड़ों की अधिकतम संख्या के बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए आप किस संख्या के उपकरण का उपयोग करेंगे तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ केस गिवन है और इस केस में हमें सैम्पलिंग uh, स्टडी उन, uh, करे है सो स्टैटिस्टिकल टूल हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल यूज करेंगे हमें ये पता लगाना है मतलब और डिटेल में हम देखते हैं इस क्वेश्चन को जैसे यहाँ पर कुछ कपल्स थे उनको कुछ चिल्ड्रेन बॉर्न हुए मतलब कुछ जोड़े थे उनको बच्चे पैदा हुए सो so, यहाँ पर चिल्ड्रेन बोर्न हुए उन पर रिसर्च की गई so, पर जो सैंपल मतलब है जो सैंपल सिलेक्ट करा है so, ये कौन से मेथड से रिसर्चर ने सिलेक्ट करा है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी मतलब रैंडमली रिसर्चर ने यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस जजमेंट और पर्पज को आगे रखकर नहीं है बल्कि रैंडमली सिलेक्ट करा है सो so, इस केस में रिसर्चर ने इस तरीके से चिल्ड्रन बॉन्ड जो है उन्हें सेलेक्ट कर लिया जो कि उनके सैंपल बन गए अब रिसर्चर को एक स्टैटिस्टिकल टूल के थ्रू इन पर स्टडी जो करनी है ये स्टैटिस्टिकल टूल के थ्रू करनी है सो so, रिसर्चर को क्या देखना है ये देखना है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं कपल्स को कपल्स के एवरेज चिल्ड्रन कितने हैं और सेकेंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैक्सिमम नंबर ऑफ कपल्स मतलब आ, कितने कपल्स को मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है यह हमें देखना है सो so याद रखिए फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या बता रहा है द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कपल्स है कपल्स को एवरेज नंबर कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है हर कपल को तो यहाँ पर एवरेज हम देख रहे हैं सो ऑब्वियसली हम कौन से टूल का यूज करेंगे कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करेंगे एवरेज मतलब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं जोड़े की जो बच्चे है उनकी औसत संख्या क्या है सो so, औसत संख्या के लिए औसत संख्या हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम औसत इस टूल का यूज करेंगे मतलब यहाँ पर ये यह देख रहे हैं uh, कि ज्यादातर जो कपल्स हैं उनको एवरेज कितने बच्चे तो आप जैसे ये कह सकते हैं रिसोर्चर जो ज्यादातर जो कपल्स हैं उनको एवरेज दो दो चिल्ड्रेन है उनको दो दो बच्चे हैं एवरेज तो इसलिए यहाँ पर एवरेज यूज कर रहे सोचो एवरेज यानी मीन का यूज करेंगे एवरेज को हम मीन भी कहते हैं अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं सेकेंड पॉइंट में बता रहा है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कपल कितने मैक्सिमम चिल्ड्रेन है मैक्सिमम कपल्स को ये हम हमको बताना है सो so, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम कितने बच्चे हैं मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा So, याद रखिएगा मैक्सिमम जब भी वर्ड आता है उसके लिए हम मोड यूज करते हैं मोड क्या होता है मोड ये बताता है आपके पास जो भी डेटा होता है उस डेटा में एक ऐसा नंबर जो सबसे मैक्सिमम बार सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो नंबर उसे हम उसे कैलकुलेट करने के लिए हम मोड का यूज करते हैं मोड का मतलब ही होता है ऐसा नंबर जो आपके डेटे में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसे हम कहते हैं मोड सो so, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में रिसर्चर को एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखना था कपल्स के पास तो यहां पर एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इसलिए हम एवरेज यानी मीन का यूज करेंगे एंड मोड मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार क्वांटिटी आ रही है मतलब रिसर्चर को यही देखना मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं मैक्सिमम कपल्स को तो यहाँ पर यहाँ पर रिसर्चर जो है मोड का यूज करेंगे सो औसत एंड मोड इन दोनों

औसत तो और औसत ये तो नहीं होगा आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा उसी तरीके से ऑप्शन डी ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा सो so इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस स्टडी को परफॉर्म करने के लिए रिसर्चर एवरेज एंड मोड इस स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करेंगे नेक्स्ट कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ ऑल आइटम्स इन दी जनसंख्या में सभी मदों की संपूर्ण गणना को कहा जाता है इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास एक पॉपुलेशन है एक पॉपुलेशन में से आप पूरी पॉपुलेशन में से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें एक पॉपुलेशन है इसी पूरी पॉपुलेशन से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो पॉपुलेशन में जितने भी पूरे मेंबर्स जितने पूरे भी आपके आपके पास उन सब से आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं याद रखिएगा है जब भी आप पूरी पॉपुलेशन में से मतलब आपकी जो पूरी जनसंख्या है जनसंख्या के सभी मेंबर्स में से सभी उनके एलिमेंट्स जो होते हैं आपकी जनसंख्या के उन सभी से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं सेंसेस जनगणना जांच आप क्या करते हैं? आपकी जनगणना जो होती है आपकी जो सेंसेस जो होते हैं इनसे आप इंक्वायरी लेते हो सेंसेस क्या होता है पॉपुलेशन में से आप हर एक एक मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उससे हम कहते हैं सेंसेस और सेंसेस जांच ये भारत में हर दस साल पर किए जाती है मतलब सेंसस जो होता है भारत में हर दस साल पर कंडक्ट करवाया जाती है जिससे पता लगता है कि उस पर्टिकुलर जिससे पता लग जाता है कि भारत में हमारी कितनी पॉपुलेशन है कितने लोग लिटरेट है कितने लोग पढ़े लिखे कितने लोग एजुकेटेड हैं और पॉपुलेशन जो रह रही है उनकी जो स्टेटस क्या है उनका सोशल स्टेटस कैसा है वो क्या उनकी इनकम कितनी है एवरेज इनकम कितनी है लोगों की ये बता सकते हैं

तो उसे हम स्टडी पॉपुलेशन नहीं करेंगे अध्ययन आबादी नहीं करेंगे so, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा इस तरीके से ऑप्शन बी यूनिवर्स यूनिवर्स मतलब कि ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स क्या होता है इसे पॉपुलेशन को ही यूनिवर्स कहते है अगर आप पूरी पॉपुलेशन से स्टडी कर रहे हो तो उसे हम पॉपुलेशन नहीं करते ऑप्शन तो बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा उसी तरीके से सैंपल पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन में से सैंपल चुन रहे हो so तो सैंपल तो क्या पॉपुलेशन के कुछ लोगों पर आप रिसर्च करते हो लेकिन पॉपुलेशन के आप सभी मेंबर्स पर रिसर्च करते हो उसे हम कहते हैं सेंसेस ना के सैंपल्स तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका राइट right ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी Census inquiry Janna Jaj. And thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.